दो युवक की मौत से आमिक गांव में कोहराम। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्टेशन पर शनिवार को ट्रेन से कटकर सदर प्रखंड के दो युवक की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नैना घाट पंचायत के आमिक गांव निवासी सत्यनारायण पासवान के पुत्र दीपक कुमार पासवान 23 वर्ष व दुलारपुर पंचायत के अंधेरी निवासी समाधि पासवान के पुत्र विकास कुमार 24 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों युवक ज्ञान गंगा एक्सप्रेस से मजदूरी करने बेंगलोर जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही दोनों के परिवारों में कोहराम मच गया। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। रविवार को परिजन शव लाने के लिए कानपुर रवाना हो गए। बताया जाता है कि दोनों जिस ट्रेन से जा रहे थे उस ट्रेन की कानपुर स्टेशन पर क्रॉसिंग थी। गर्मी से बेहाल दोनों युवक ट्रेन से उतरकर नीचे पटरी के पास खड़े थे। इसी दौरान दूसरी ट्रेन वहां से गुजरी। ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उन लोगों के साथ चल रहे अन्य मजदूरों ने घटना की जानकारी मृतकों की परिजनों को दी।